ਬੱਚੀਏ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਾ ਤੂੜੀ ਹੈਗੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੱਚੀਏ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਾ ਵਾਲੀ ਜਣੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੱਚੀਏ ਬੜੇ ਪਰਦੇਸੇ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਲੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੱਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀਏ हमने ऐसा किया नहीं है तो पोस्टमार्टम करने से हमें क्या डर है। आज तेरे किधर नहीं प्योका दे नहीं करो पुत्रा उठे प्रदेश से ही चलिए बच्चिए ए भरा ने दाड़ा मारे कि वो तुसे जो मर्जी करना था करो ए वो शक नहीं है आज भुगते लग गया अगे बच्चिए आज नहीं तेरे किधर नहीं कर दे नहीं को का पुत्रा मेरे जंबर कुदे मंगरिया भी नहीं गई दे आज रहती वो भी माइके वाले ने जेके कुड़ी दे माँ प्यो न वो आरोप ला देन उनकी फैमिली वाले जेके आरोप ला देन कि यदि हत्या हुई थी और ससुराल वाले इनकी हत्या की बड़े बड़े बाजार भी जी आई थी आरोप लग रहे हैं आपके परिवार पर जी जी। कि हत्या की गई है ये बड़े आरोप है संगीन नहीं सर हत्या तो हमें किसी अलह से भी देखे ना आप हत्या तो हमने की नहीं है हमारे पास प्रूफ था मैं उस दिन कहाँ था मैं हमारा भाई कहाँ था जी कहाँ काम कर रहा था मेरा बच्चा कुछ वहाँ करना उन्हें नुआ धोई यानी तू दिया मैं बच्चा नहीं धोना नमस्कार। कल NHPC सलाल डैम डैम टॉप के पास एक महिला का शव बरामद हुआ था। उक्त महिला की शनाख्त हो गई है। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हैं और मायके और ससुराल वालों ने उक्त महिला की शनाख्त कर दी है। अब मामला ये है कि मायके वाले और ससुराल वालों में विवाद देखने को मिल रहा है। मायके वालों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। आपको बता दें महिला चौसर की रहने वाली है पंचायत गलियोत है और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है। महिला का नाम सुनीता देवी है और आयु करीब 20 वर्ष है। पत्नी राकेश सिंह है। इस समय हमारे साथ उक्त महिला के मायके वाले मम्मी और पापा मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और क्या इनके ससुराल पक्ष वालों पर आरोप हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। के नाय तुंदा ते की लगदा तुसे कि हत्या होई दी है कोई और किश नहीं है आसा नहीं है या फिर सुसाइड नहीं है नहीं शक है मारिए दे मारिए सुट्टी दे अज 15 दिन असें लभी है नजरी ते पहले इयां गल्लां चलदियां आखदे के भाई ओह उत्थे गे चले ओके कुसे फोन करी इयां होई गया उआं करी गया ते अज उसदी असें लाश लभदी है ते शक है मी के मारिए शक नुहाड़े घर आह्लें उप्पर गे हां कि पहले भी कोई ऐसा हुंदा हा लड़ाई झगड़ा हुंदा बड़ी गै लड़ाइयां करदे थे पहले बदमाश भी बनाई चोर भी बनाई भी प्योके आने भी उसी मना था कि नहीं जाना उत्थे कुने के करना उत्थे जाइए शक के मी के मारी ये दे तो सुनांदी ही तुम्हारी बेटी जेकी ये कार सुनांदी ही के के हुंदा हां सुनांदी थी अच्छा ते किन्ने दिने दी लापता ही ते 15 दिन पहले लापता हुई थी 15 मार्च की आज 15 दिन होए 15 दिन असें नजरी लभी है हां चले लापता होए हैं ते की आख्या हां ससुराल वाले हुंदे ਉਹਦਾ ਜੇਠ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਆਖਦੇ ਥੇ ਕਿ ਤੁੰਦੀ ਕੁੜੀ ਛੱਪੀ ਦੀ ਹਾਂ ਦੂਆ ਜੇਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਾ ਕਿ ਆਓ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੁੱਪਦੇ ਹਾਂ ਅਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੁਆਈ ਲਵਾ ਥਾ
और पुछदे उ'नेंगी तां ओह् आखदे कि पंचैरी अग्गें वोट पाने गी और नुहाड़े सारे घर आह्ले जेह्के जागत कुड़िया मर्द ओह् सारे दरिया दे बन्ने थे ओह् बन्ने बन्ने तुप्पदे हे ते मिगी शक है कि कुड़िया ही मारी गेदे ते तुसें भी रिपोर्ट शिकायत करवाई ही केड़ा पुलिस स्टेशन पौंदा पंचैरी पौंदा पंचैरी ठाणा तुस भी गए हे उत्थे हां केह् सनाया हा पुलिस सना था उ'नेंगी इ'यै कि लड़ाई होंदी थी अच्छा जफ्फिया थी ते शक है ते हुन तुसें भी दिक्खिया उ'ऐ तुं'दी बेटी गै शनाख्त करो हां शनाख्त ते आ'ऊं अपने बच्चे अंग अंग पछानी लैंदी आ ठीक हुन पोस्टमार्टम होए दा ते केह् उम्मीद है तुसेंगी सही इंक्वायरी हो गई दी मैं सच थोना चाहिदा है हां ससुराल आह्लें दा आखना है उंदे हस्बैंड ते उंदे भरा दा हस्बैंड दे भरा दा आखना है कि असें किश नहीं कीता ओह लापता होई गए हे ओह्दे बाद होई सकदा कोई हादसा होई गया होऐ ते कन्नै ओह आखदे पोस्टमार्टम भी कराया ते असेंगी कोई आपत्ति नहीं है पोस्टमार्टम उप्पर भी सच सामने आना चाहिए सच दा सामने आना चाहिदा सच उस वेलै सामने आना है इ'यां सच सामने कुत्थे आना है नां केह् हा तुंदी बेटी सुनीता देवी किन्नी उम्र ही 20 साल पुलिस कोला ये मांग करना है कि साड़ा कोई इंसाफ करना चाहिए क्योंकि मैं एक गरीब बंदा मेरे बच्चा और कोई नहीं है एक छोटी सी बच्ची है 7 साल की इे बच्चा मेरा बड़ा जेड़ा तो मैं हूँ गिर चुका दा क्योंकि और कौन है कमाई करने वाला मेरा नाम क्या है तो तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है मेरा नाम रमाल सिंह है मेरे वाइफ का है सुषमा देवी तो कुदर दे रहने वाले अस गले हो दे रहने वाले इस टाइम मैं रहंदा हूं दमनोद विच अच्छा जी सर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की लगता है तुसें ये हत्या कोई हादसा भी होई सकदा है देखो जी शक है ना इस विच कि अस जिस दिन उधर गए असें बुलाया उथे कि आई जाओ तुपने ते ये जोई साडा दे नोड़ा बड़ा भरा नंबरदार ਉਹ ਚਲੀਏ ਪੰਚਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣੀ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਸ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨੇ ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਇਹਨੇ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸ ਭੁਗਤੇ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂ ਅਭੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ उक्त महिला के हस्बैंड और उनके भाई हस्बैंड के भाई मौजूद हैं इनसे बातचीत करते हैं और जो आरोप इन पर लग रहे हैं उस पर इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे आपको बता दें करीब 15 दिनों से उक्त महिला लापता थी उसे ढूंढने का भी प्रयास किया जा रहा था पंचैरी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी की गई थी और कल डैम टॉप NHPC सलाल डैम से महिला का शव बरामद होता है जिसके बाद शव को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में रखा जाता है और फिर घर वाले यहाँ पहुँचते हैं मायके वाले ससुराल वाले दोनों पक्ष जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी पहुँचते हैं और शव की शनाख्त की जाती है एक नाला है पैंथल नाला वहाँ पर परिवार वालों का कहना है ससुराल वालों का कहना है कि वो मवेशियों को चराने गई हुई थी उस नाले के पास शायद कोई हादसा हो गया और नाले में बहकर फिर चिनाब दरिया में चली गई और चिनाब दरिया से कल जो है NHPC डैम टॉप से शव बरामद हुआ है उनके हस्बैंड राकेश सिंह हमारे साथ हैं और उनके भाई करतार सिंह भी हमारे साथ हैं राकेश सिंह जी की होया 15 दिन पहले सर उतों दीदी दी 9 दिन ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਗਾ ਘਰ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਮਾਈਕੇ ਗਏ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕੇ ਅੱਛਾ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਉਗਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਉਸ ਡੰਗਰ ਚਲਾ 3 ਦਿਨ ਗਏ ਦੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਚ ਰੁੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਹਨ ਉਹ ਆਰੋਪ ਲਾ ਦੇਣ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹਕੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਦੀ ਔਰ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ नहीं वो ऐसा ही स्लिप हो गया स्लिप हो गया ठीक करतार जी जी आप क्या कहेंगे क्या है पूरा मामला क्योंकि आरोप आपके परिवार पर लग रहे हैं जी, जी। किस तरह से उनका जवाब दें सर वो मंगलवार 15 तारीख को सुबह कुछ 9:15 बजे घर से निकली थी माल मवेशियों को लेकर तो हमें तो पता नहीं था कि ये वापस नहीं आएगी हमें क्या पता था कि घर से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था तो जब 15 मार्च नहीं नहीं 15 मार्च को ही निकले थे दोपहर नहीं नहीं सुबह 9 बजे 9:15 बजे तकरीबन हमने कोई टाइम नहीं देखा था उसके बाद जब वो डंगर वापस आए तो एक नीचे गुजरों की एक ज़मीन थी उसमें आके वो कणक में चला गया तो उधर एक लड़की ने बोला कि आपके डंगर वो उधर कणक में है तो उसके बाद 4:30 नहीं कोई 5:15 बजे की बात है
तो उधर गए उन लड़कों ने, एक यही लड़का बाद में गया और एक हमारे भाई का लड़का था, उनने डंगर वहाँ से घर लाए। उसके बाद हमने आगे पीछे फ़ोन किया तो उसका कोई पता नहीं चला सर। तो हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, जब घर से आदमी चला गया तो हम तो किसी पर रोक नहीं लगाते। इसके बाद शिकायत पुलिस स्टेशन पंचायरी में क्या आपने शिकायत की इसकी, और कब शिकायत की थी? सर मैंने हमने दूसरे दिन की है। दूसरे दिन की है। क्या झगड़े भी पति पत्नी में होते थे? नहीं नहीं सर, झगड़ा नहीं हुआ था। क्या लगता है क्या हुआ होगा जब वो सुबह मवेशियों को चराने गए, तो फिर क्या हादसा हुआ होगा या फिर कुछ और? पहले तो हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे, जब घर से आदमी निकलता है तो क्या पता चलता है ये कहाँ गया, इसको स्लिप हुआ है, क्या हुआ है, कुछ ऐसा आइडिया लग रहा था कि ये नहीं, नाला तो था ना, पानी था नाले में, बहुत पानी था, मगर हम जी क्या बोल सकते थे, हमने देखा नहीं था उसको, मगर अब तो। लेकिन आरोप लग रहे हैं आपके परिवार पर जी कि हत्या की गई है, ये बड़े आरोप है, संगीन आरोप। सर हत्या तो हमें किसी अलह से भी देखे ना आप, हत्या तो हमने की नहीं है, हमारे पास प्रूफ था, मैं उस दिन कहाँ था, मैं हमारा भाई कहाँ था, जी कहाँ काम कर रहा था, ऐसे तो रूप हर इंसान एक दूसरे पर लगा देता है, मगर मैं तो अपने ससुराल घर में रहता हूँ, उधर से कोई 2 घंटे लगते हैं, तो मैं उधर ही पूरा दिन, मेरे पास विटनेसें भी हैं उस दिन की, जी बात नहीं है कि सर मैं उधर आया था। तो जो ये पैंथल नाला आप बता रहे हैं, ये चिनाब नदी में जाके? हाँ चिनाब नदी में मिलता है, उधर से कोई तकरीबन कोई 20 मीटर, 20-25 मीटर, 30 रखो। तो फिर जानकारी आपको किसने दी, क्या पुलिस ने जानकारी दी या आपने कुछ मालूम करने की कोशिश की कि यहाँ पे शव मिला है, पुलिस ने आपसे संपर्क किया या आपने संपर्क किया था, और कब आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी पहुँचे और शिनाख्त की? नहीं सर, काली हमें मिला है ना कि उधर डेड बॉडी मिली है, अब उसकी शिनाख्त करें जाके। तो आज हम रात को आए थे तो इधर सुबह 9 बजे पहुँचे, तो उसके बाद हमने ऐसी तो पहचान क्या होती है, मगर कपड़े वगैरह देखे तो वही थी, वही लड़की। तो पोस्टमार्टम हो गया? हाँ पोस्टमार्टम हो गया सर, हमें उसमें कोई शक नहीं है कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, क्यों हमने ऐसा किया नहीं है, तो पोस्टमार्टम करने से हमें क्या डर है। ठीक है, चलिए। तो ससुराल वाले उन आरोपों का खंडन कर रहे हैं और उनका कहना है कि पोस्टमार्टम हुआ है, पुलिस जाँच भी करे और जाँच में जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए। अब पुलिस स्टेशन पंचारी में 174 CRPC के तहत जो है मामला दर्ज होगा, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में ये मृत्यु हुई है। एक बार फिर आपको बता दें कि कल रियासी डिस्ट्रिक्ट से NHPC सलाल डैम डैमटॉप से महिला का शव बरामद हुआ था, और आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में परिवार वालों ने शव की शनाख्त की है, और मामला अब ये आरोप लग रहे हैं मायके वालों की तरफ से, उक्त मृतक लड़की के माता और पिता की तरफ से, कि महिला की हत्या की गई है, और आरोप ससुराल वालों पर हैं, पति पर हैं और उनके परिवार वालों पर हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि पुलिस इसकी अच्छे से जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच सामने आएगा। हम किसी पर किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर परिवार को शक है तो जाँच होनी चाहिए, अच्छे से जाँच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। तो चलिए फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।